कि कोई अभिक्रिया है, चाहे वो एक पद में संपन्न हो, चाहे वो अनेक पदों में संपन्न हो, या फिर किसी भी पद से संपन्न हो, किसी भी परिस्थिति में संपन्न हो, उसमें जो सामिल उष्मा है उसका मान सदैव नियत रहता है, इसे हैस का नियम कहा जाता है। जैसे मान लो कि कोई ए है, वो मान लो पहले बी में बदला, और बी मान लो कि पहले सी, बी है वो सी में बदला, और सी है वो डी में बदला, और डी है वो ई में बदला। इस प्रकार से ये अभिक्रिया हुई। पहली अभिक्रिया थी उसके लिए मान लो डेल्टा एच का मान था Q1, दूसरी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान था Q2, तीसरी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान था मान लो Q3, चौथी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच का मान था वो Q4 था। यदि यह अभिक्रिया एक ही पद में संपन्न हो जाती, मान लो कि ए सीधा ही ई में बदल जाता, एक ही पद में संपन्न हो जाती, मान लो इसके लिए डेल्टा एच का मान लो बड़ा क्यू है, तो यह नियम यह कहता है कि डेल्टा एच का मान सेम ही रहेगा, चाहे कई पदों में होकर संपन्न हो जाए, चाहे एक ही पद में संपन्न हो जाए। यानी कि यहां पर डेल्टा एच का मान आया Q1, यहां पर डेल्टा एच का मान आया Q2, यहां पर डेल्टा एच का मान आया Q3, यहां पर डेल्टा एच का मान आया Q4। ये मान लो चार पदों में हुई, तो डेल्टा एच के मानों को जोड़ दिया जाए तो वही मान आएगा जो एक पद में संपन्न होने से डेल्टा एच का मान आता है। यानी कि अभिक्रिया चाहे एक पद में संपन्न हो जाए या कई पदों में संपन्न हो, तो डेल्टा एच का मान वही रहता है जो चाहे एक पद में हो। जैसे मान लो एक पद में हुआ तो क्यू हुआ, और कई पदों में चार पदों में हुआ तो Q1, Q2, Q3 और Q4 आए, Q1, Q2, Q3 और Q4 को जोड़ा तो Q के बराबरी होगा। तो बस ये नियम यही कहना चाहता है कि अभिक्रिया चाहे एक पद में संपन्न हो, चाहे एक अनेक पदों में संपन्न हो, उष्मा का मान है वो सदैव वही रहता है, किसी भी परिस्थिति में संपन्न हो या फिर किसी भी पद से करवाई जाए, अभिक्रिया की उष्मा का मान है वो चेंज नहीं होता है, इसे ही हैस का नियम कहते हैं। तो ये हैस का नियम बहुत ही जोरदार नियम है।